हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईजी एक्सेल ज्ञान। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेल टिप्स के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कि दो अलग अलग सेल में रखे गए डेटा को कैसे कंबाइन करना है, ठीक है, विद सेपरेटर और विदाउट सेपरेटर। तो हमें कंबाइन करना है तो इक्वल टू हम लगाएंगे, उसके बाद हम पहली सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल को आपको पहले रखना है, उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे, शिफ्ट एफ से, ये शिफ्ट के बाद 7 प्रेस करेंगे तो एंड का साइन आ जाएगा। उसके बाद दूसरी सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल का डेटा बाद में रखना है, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, तो यहां पर आ गया है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद हम यहां पर कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही पूरा डेटा अपने आप ले लेगा। अभी ये इस तरह था जिसमें हम इक्वल टू का हमने उपयोग किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं, यदि हम जानना चाहते हैं फॉर्मूला के माध्यम से, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कॉनकेटनेट। कॉनकेटनेट फॉर्मूला टाइप करेंगे, उसके बाद हम जिस सेम प्रोसेस रहेगी, इस सेल को हमने सेलेक्ट करना, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे यानी एड साइन लगाएंगे, उसके बाद दूसरी सेल सेलेक्ट करेंगे और कोष्टक बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो सेम प्रक्रिया होती है यहाँ पर। तो अभी क्या है, अभी इस तरह से हम करेंगे तो इसमें बिना सेपरेटर के द्वारा आया है। अभी हम चाहते हैं कि सेपरेटर आए, यानी आपको जब कभी भी डेटा को डिलीमिट करना पड़े, अलग अलग करना पड़े, तो एक पर्टिकुलर साइन होना चाहिए जिससे आप अलग अलग कर पाए। तो इस तरह से अजय या किसी नाम के बाद दूसरी संख्या जब आए, दूसरा शब्द आए या फिर करेक्टर आए, उसमें सेपरेटर लगा हो, तो इस तरह हम करेंगे। इसको भी सेम कर सकते हैं, इक्वल टू करिएगा, एट द रेट ये लगाइएगा, आपको साइन लगाना है, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करना है, एम्परसेंट का साइन, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सेपरेटर रखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और उसके बाद एंड लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी सेल। तो यहां पर देखिए ये आ गया है। यहां पर आपने देखा कि आपने जो लगाया हुआ है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, यहां पर देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के द्वारा आप कर सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला को आपको कॉनकेटनेट के अंदर लगाना है तो कैसे करेंगे, कॉनकेटनेट के अंदर लगाएंगे तो भी सिंपल रहेगा, जिस सेल को सेलेक्ट करो सेल को सेलेक्ट करिए, एम्परसेंट डबल इन्वर्टेड कामा सेपरेटर, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फिर यहां पर उसके बाद दूसरी सेल को सेलेक्ट कर लेना है, तो ये यहां पर आ गया। तो आज की वीडियो में इतना था जिसपे आपने जाना किस तरह से सिंपल तरीके से आप दो सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। इस तरह से ऑसम वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।